अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जाएंगे जो हमारे दो मोर देन थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट्स रह जाते हैं साइनोवियल जॉइंट के, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो जो इसमें हम चौथा टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पिवाइड जॉइंट। जो पिवाइड जॉइंट होता है ये क्या होता है, एक्चुअली ये वो वाला जॉइंट होता है जो एलो करता है एक हड्डी को, एक लिम्ब को रोटेट करने में। दैट मीन्स इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब और अ बोन। ओके, तो क्या होता है कि इसमें एक बोन जो होती है वो फिट होती है एक हुप शेप्ड लाइगमेंट में। हुप शेप्ड लाइगमेंट में जब वो फिट होती हैं तो वो होल्ड करती हैं इसको, वो इसको पकड़ती हैं, वो इसको कंट्रोल कर लेती हैं ताकि वो किसके साथ फिर मिल जाए, किसके साथ वो जुड़ जाए जो दूसरी वाली खड़ी होगी। और उस तरह से क्या होता है, इस को एलो करता है, इसको ये परमिशन देता है ताकि रोटेट करने में, रोटेट किस तरह से करे, किस तरह से ये घूमे, किस तरह से मूवमेंट करे, जिस तरह एक हम एक फिंगर को अगर हम लेंगे वो रोटेट करती है ना रिंग में, इसी तरह जो ये बोन होती है ये रोटेट करती है एक बोन दूसरे बोन में जब फिट होती है, तो जब ये लाइगमेंट बनाती है, जब ये जॉइंट बना लेते हैं तो ये इसी तरह क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। सो आई हैव रिटन हियर पिवाइड जॉइंट क्या होता है, दिस अलाउज अ बोन और अ लिम्ब टू रोटेट। वन बोन फिट्स इन टू अ हुप शेप्ड लाइगमेंट दिट होल्ड्स इट क्लोज टू अनदर जो दूसरी वाली बोन होती है एंड अलाउज इट टू रोटेट। उसके बाद अलो करते हैं इनको रोटेट करने में इन द रिंग, इन रिंग दस फॉर्मड जो वहाँ पे बन जाती। इस तरह से मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझा सकता हूँ, आपको मैं अंडरस्टैंड करवा सकता हूँ कि जो हेड होता है हमारा, जो हमारा सिर होता है वो रोटेट करता है किस में, पिवाइड जॉइंट में, जो बना हुआ होता है बाय द डेंस ऑफ एक्सीज हेल्ड विद इन द रिंग, जो किस में होती है इस रिंग में, बाय द ट्रांसवर्स, जो ट्रांसवर्स अलाइनमेंट होगा, दैट मीन्स that will be in the rows, that means from the left to the right, or there is a presence of the ring, which are held within the ring by the transverse, जो ligament वहाँ पर मौजूद होता है, and the odontide process, जो odontide process होती हैं, किसके किसकी odontide process, that is actually the atlas, atlas means the vertebra, the very first vertebra, we give it name, we name this very first vertebra with atlas. तो जो हेड होता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आई हैव रिटन हियर लाइक दिस, फॉर एग्जांपल हेड रोटेट्स ऑन द पिवाइड जॉइंट फॉर्मड बाय द डेंस ऑफ द एक्सीज। डेंस मीन्स कि वहाँ पे एक गुफा जैसा बनता है ऑफ द एक्सीज हेल्ड विद इन द रिंग, रिंग में वो फंस जाता है बाय द ट्रांसवर्स, जो ट्रांसवर्स लाइगमेंट होता है, एंड द ओडेंटाइड प्रोसेस ऑफ व्हाट, एटलस। एटलस इज द नेम विच इज गिवन टू वेरी फर्स्ट वर्टिब्रा। ओके, एंड द नेक्स्ट वन टाइप ऑफ दिस साइनोवियल जॉइंट इज कॉन्डलाइट जॉइंट। व्हाट इज कॉन्डलाइट जॉइंट, कॉन्डलाइट जॉइंट जो होता है ये स्मूथ होता है, ये राउंडेड प्रोजेक्शन होती है एक बोन के ऊपर, और क्या होता है ये, इन ए कॉन्डलाइट जॉइंट ये सिट्स इट ये बैठ जाता है दूसरे एक कप शेप डिप्रेशन होती है दूसरी बोन में, उसमें क्या होता है कप शेप डिप्रेशन होती है उसमें, उस वाली बोन में, तो ये दो एक दूसरे के साथ जुड़ लेते हैं, एक बोन जो होती है वो स्मूथ होती है तो दूसरी बोन जो होती है वो कप शेप्ड होती है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन होती है ताकि वो क्या कर सके, वो उसको होल्ड कर सके, वो इसको पकड़ सके। सो आई हैव रिटन लाइक दिस, कॉर्डलाइन जॉइंट इट इज़ अ स्मूथ राउंडेड प्रोजेक्शन ऑन ए बोन, एक बोन पे, एंड इन ए कॉर्डलाइन जॉइंट इट सिट्स, ये बैठ जाता है विद कप शेप्ड, जो कप शेप्ड डिप्रेशन होता है ऑन द अनदर बोन। सो यू कैन अंडरस्टूड इट वेरी वेल बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल विच आई हैव बीन गिवन देयर। फॉर एग्जाम्पल द जॉइंट बिटवीन द कॉर्डलाइन प्रोसेस, क्या होता है कि जो कॉर्डलाइन प्रोसेस होता है, कॉर्डलाइन प्रोसेस मौजूद होती है
process simply means it is a meeting point. It is a meeting point of two bones, simply, or any two structures in the human anatomy, we called this as process. So the condyline, the joint between the condyline process of what? जो हमारे पास स्कल होता है, स्कल की बोन्स होती हैं, उनमें कॉन्डलाइन प्रोसेस मौजूद होता है, मगर किस किस बोन में वो मौजूद होता है, किन 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 दो बोन्स को वो कनेक्ट कर लेता है, जो हमारे क्रेनियल बोन में टेम्पोरल बोन होती हैं और मैंडिब्यूलर बोन होती है, मैंडिबुल होती है दूसरी बोन, तो इन दो को वो कनेक्ट कर लेता है बाय मीन्स ऑफ कॉन्डलाइन प्रोसेस. सो the joint formed here is known as condyline joint or condyle joint, condyloid joint. The joint between the condylateral process of the mandible and the temporal bone forms hence what? Condyloid joint or condyloid joint. And the last joint which I am going to discuss here is what? Saddle joint. Which? Saddle joint. Please have focus on the topic. So saddle joint, if in Urdu we can say it like this, jo ghode ka wo घोड़े की जो जीन होती है, सीट जिसको हम कहते हैं, सेडल उसको हम कहते हैं, तो इसी तरह ये भी, ये जॉइंट जो होता है हमारे पास सेडल जॉइंट, ये भी उसी तरह काम कर लेता है. सो प्लीज लुक हियर, द सेडल जॉइंट. सो व्हाट इज सेडल जॉइंट? सेडल जॉइंट जो होता है, द आर्टिकुलेटिंग बोन्स फिट टुगेदर लाइक ए मैन स्टिंग ऑन अ सेडल. That means articulating. Articulating means जो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, जो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे bones, वो एक दूसरे के साथ इस तरह मिल जाती हैं जिस तरह एक आदमी घोड़े पे, घोड़े की जीन पे बैठ जाता है, इसी तरह ये जो बोन्स होती हैं ये भी आर्टिकुलेट करती हैं एक दूसरे के साथ. दैट मीन्स द आर्टिकुलेटिंग बोन्स फिट टुगेदर, वो फिट कर लेती हैं एक दूसरे के साथ, लाइक ए मैन, लाइक ए मैन सिटिंग ऑन ए हॉर्स. ओके, सिटिंग ऑन ए हॉर्स ऑफ ए सेडल. ठीक है. सो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूरी चीज़ समझनी है सेडल जॉइंट के बारे में, इज एट द बेस ऑफ द थंब. जो हमारा बेस होती है, थंब की जो बेस होती है, यू कैन लुक, तो इसमें क्या होता है, ये वहाँ पे मौजूद होता है बिटवीन द ट्रेपिजियम ऑफ द रिस्ट. जो ट्रेपिजियम होता है रिस्ट का और जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन होती है वहाँ पे मौजूद होता है सेडल जॉइंट. सो आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज प्रेजेंट. वाई इट इज प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट at the base